हरियाणा H9PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। आर्य समाजी व प्रताप स्कूल प्रिंसिपल धर्मप्रकाश आर्य का निधन। शहर के प्रताप स्कूल प्राचार्य धर्मप्रकाश आर्य का रविवार की रात हृदयघात के चलते निधन हो गया। वह 52 वर्ष के थे। सोमवार को उनके पैतृक गांव रोहणा में अंतिम संस्कार किया गया। प्राचार्य धर्मप्रकाश आर्य शिक्षा के साथ ही अन्य सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय थे। ऐसे में उनके निधन से न केवल शिक्षा के क्षेत्र में क्षति हुई है बल्कि सामाजिक क्षति भी हुई है। उनकी अगुवाई में ही खरगुदा के प्रताप स्कूल ने न केवल शिक्षा में बल्कि खेलों के क्षेत्र में भी नाम कमाया। रविवार को अचानक से बिगड़ी तबीयत के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। प्राचार्य धर्मप्रकाश आर्य मानव अधिकार संरक्षण संघ के राष्ट्रीय सचिव होने के साथ साथ हरियाणा यूनाइटेड स्कूल एसोसिएशन के सचिव भी थे। सोमवार को उनकी अंतिम यात्रा में काफी संख्या में लोग शामिल हुए और शोकाकुल परिवार को इस दुख की घड़ी में हिम्मत बंधाई। इस मौके पर विधायक जयवीर सिंह, पूर्व मंत्री कृष्णा गहलावत, पूर्व विधायक पदम सिंह दहिया, दहिया खाप के प्रधान जयपाल दहिया, सुरेंद्र बानिया, पूर्व प्रधान ACP महावीर व विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि सहित सैकड़ों की संख्या में व्यक्ति उनकी अंतिम संस्कार यात्रा में उपस्थित रहे। आज हम आए हैं यहाँ प्रताप डेयरी फार्म, जहाँ से प्रताप स्कूल में रहने वाले छात्रावास के विद्यार्थियों के लिए सब्जी है और जैसे नंबरदार के हाथ में शलगम है, टमाटर हम देखते हैं कि 300-300 ग्राम के टमाटर और आधा किलो के शलगम और पीछे देखी थी 18 इंच लंबी गाजर। तो नंबरदार जी बताओ, ये इस प्रकार का आप कैसे तैयार करते हो? थानाखुर्द मर्डर के आरोप में एक गिरफ्तार। थानाखुर्द गांव में मटेरियल सप्लायर को घर से बुलाकर उसकी हत्या करने के आरोप में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे रिमांड पर लिया गया है। उमेश की हत्या के मामले में आरोपी कुलदीप पर इल्जाम लगा था। इसी आरोप में कुलदीप पर FIR दर्ज की गई थी और उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी थानाखुर्द निवासी कुलदीप उर्फ बादल है। 20 जनवरी को थानाखुर्द निवासी मंजीत ने थाना खरकुदा में आरोप लगाया था कि गत 19 जनवरी की दोपहर को गांव का कुलदीप उर्फ बादल उसके घर उमेश को अपने साथ किसी कार्य को कहकर घर से बुलाकर ले गया था। 20 जनवरी को उसका भाई उमेश मृत अवस्था में ड्रेन नंबर 8 के पास नग्न अवस्था में मिला था, जिसके बाद जांच टीम के SI राजकुमार ने अपनी पुलिस टीम के साथ आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी थी। पुलिस ने इस वारदात में शामिल आरोपी कुलदीप उर्फ बादल को गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायालय के आदेश अनुसार 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। आम आदमी पार्टी की ओर से खरखुदा में सोमवार को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। इस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चरित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद किया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता व कार्यकारी अध्यक्ष सिंह राम दहिया के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि भारत को आजाद कराने में नेताजी का अहम योगदान रहा। उनके द्वारा गठित आजाद सिंह फौज में न जाने कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों ने देश हित में अपने प्राणों को नौछावर करते हुए देश की आजादी में अपना योगदान दिया। आज प्रत्येक देशवासी को एकजुट हो नेताजी के पद चिन्हों पर चलने की जरूरत है। इस दौरान करमबीर, शिवम, सुनील, सुमित, मनोज, दिलबाग सिंह, रामफल, महेंद्र व जितेंद्र आदि मौजूद रहे। थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हलालपुर गांव निवासी एक व्यक्ति ने पड़ोस के ही लोगों पर उसके व उसके परिवार के सदस्यों पर हमला कर घायल करने का आरोप लगाया है। शिकायत पर सैदपुर चौकी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हलालपुर निवासी रोहताश का कहना है उनके गांव में गैर पाइपलाइन से कनेक्शन दिए जा रहे हैं, इसे लेकर उसके पड़ोसियों के साथ कहासुनी हो गई थी, जिसकी रंजिश रखते हुए पड़ोसी ने उस पर हमला कर दिया। रोहताश का कहना है कि वह अपने घर पर था कि पड़ोसी उसके घर में आ घुसे, वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही कई लोगों ने उन पर हमला कर दिया। रोहताश का कहना है कि आरोपियों ने उसे व उसके भाई व भाई को भी डंडे, पट्टी व लात खुदसों से पीटा, वहीं उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। घायल की शिकायत पर सैदपुर पुलिस चौकी ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बलिदानी दलबीर सिंह राजकीय महाविद्यालय पीपली में सोमवार को प्राचार्य किरण सरोहा की अध्यक्षता में कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इनमें निबंध लेखन, कविता वाचन, पोस्टर मेकिंग, स्लोगन लेखन, भाषण, वाद विवाद व नाटक आदि का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
इस अवसर पर प्राचार्य किरण सरोहा ने कहा कि सर्वांगीण विकास के लिए इस प्रकार के आयोजन बहुत जरूरी हैं। विद्यार्थियों को चाहिए कि वैसे मंचों का फायदा उठाने का काम करें और अपनी प्रतिभा को तराशें। कविता वाचन में ऋतिक पहले, खुश सेजवाल दूसरे, पायल तीसरे, निबंध लेखन खुश सेजवाल पहले, दिव्या दूसरे, सलोनी तीसरे, भाषण प्रतियोगिता में निशु पहले, अश्विनी दूसरे स्थान पर रहा। प्रतियोगिता का संचालन प्रकोष्ठ प्रभारी डॉक्टर कीर्ति खत्री द्वारा किया गया। इस दौरान डॉक्टर मनदीप कुमारी, मधुलता, डॉक्टर रवीना पवार, प्रदीप कुमार, डॉक्टर बीना रानी, डॉक्टर रजनीश, नमिता वनीरा आदि उपस्थित रहे। दोस्तों, मैं एक बात से और अवगत कराना चाहूंगा आपको कि पिछले कुछ दिनों से हार्ट अटैक के पेशेंट निरंतर बढ़ रहे हैं, बढ़ ही रहे हैं। हमें रोज, आजकल कल रात को भी एंजियोप्लास्टी हुआ है, दिन में 2 पेशेंट हार्ट अटैक के रोज आ रहे हैं। तो इसका रीज़न स्ट्रेस और स्मोकिंग और लैक ऑफ एक्सरसाइज है। प्लीज़ कोविड के बाद, डेंगू के बाद अब हार्ट अटैक का एपिडेमिक ना आ जाए, इसका ध्यान रखें। और हम चाहेंगे आपसे कि आप स्वस्थ रहें, अटैक से बचे रहें। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि सारी सर्विसेज हार्ट से रिलेटेड ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत में अवेलेबल हैं। एंजियोग्राफी, स्टेंट डालना, एंजियोप्लास्टी, सारा कुछ अवेलेबल है। खरखौदा में भी ये सारी सर्विसेज सेठी हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। और हफ्ते में 4 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार मैं खरखौदा में आता हूँ। कोई भी मरीज किसी भी तरीके से हमें कहीं दिखाना चाहे तो हम अवेलेबल हैं, आपके साथ हैं। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। एपी गर्ल पब्लिक स्कूल सापला रोड खरखोदा, स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफर, नर्सरी टू 12th, सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।